हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में हम सबसे पहले आपको बता दें कि हम बताने वाले हैं दिल्ली से रिलेटेड मेट्रो के वो सारे रूल जो आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। अगर आप दिल्ली जा रहे हैं या आप दिल्ली में शिफ्ट हो रहे हैं, तो अगर आपको मेट्रो से रिगार्डिंग अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि दिल्ली मेट्रो का जो है आपको जो दिल्ली मेट्रो का पूरा मैप होता है उसका जो चार्ट होता है चार्ट है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक पे मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप दिल्ली में अगर आप घूमने के पर्पज़ से आए हुए हैं कि अगर आपको दिल्ली में घूमना है तो मैं कहूँगा मेट्रो बेस्ट होगा, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम सेव करता है और आपको जल्दी जल्दी में रिलैक्स भी फील होगा और टाइम भी आपका सेव होगा और पैसे भी उतने ज़्यादा नहीं लगते हैं। अगर मैं बस देखूँ तो अगर बस से आप जाते हैं तो बस भी सही है, लेकिन बस में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना होता है और आपको बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग लगानी होती है कि कौन सी नंबर की बस कब आएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर के हिसाब से बस चलती है 523, 516, 523 ए, 512 डी, ऐसे ऐसे करके बस चलती है, तो जो बहुत कन्फ्यूजन वाली होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप दिल्ली ट्रिप पर जाना चाहते हैं, मतलब आप दिल्ली में पूरा घूमना चाहते हैं, तो एक आपको दिल्ली गवर्नमेंट जो है आपको किसी भी मेट्रो स्टेशन से आप एक टूरिस्ट पास करके बनता है, तो आप टूरिस्ट पास बनवा सकते हैं। ये जैसे मेरे पास मेट्रो का एक पास मेट्रो का जैसे ये स्मार्ट कार्ड है, तो ऐसे ही आपको एक कोई भी स्टेशन पे जाइए, मेट्रो स्टेशन पे, वहाँ पे बोलिए कि मुझे टूरिस्ट पास चाहिए या टूरिस्ट कार्ड चाहिए एक दिन वाला, तो वो आपको टूरिस्ट कार्ड दे देंगे जिसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 200 रुपीज़। तो आपको 200 रुपीज़ पड़ेगी, लेकिन आप इस 200 रुपीज़ में कहीं भी दिल्ली में कहीं भी मेट्रो से बाहर जा सकते हैं, फिर मेट्रो से आ सकते हैं रात के 12 बजे तक। मतलब ये सुबह में आप लगभग 6:30 से कटा सकते हैं किसी भी मेट्रो स्टेशन पे जाके, 6:30 बजे मॉर्निंग में कटा सकते हैं और रात को 12 बजे तक इसको यूज कर सकते हैं। मतलब 12 बजे तक पहले से आप घूम फिर के कहीं से भी आ सकते हैं, तब तक आप फ्री में रहेगा, 200 ही रुपये रहेगा। और लास्ट में जब आप घूम के आते हैं तो अगर आप स्टेशन पे इसको रिटर्न करते हैं 12 बजे रात के पहले, तो आपको 50 रुपये वापस कर दी जाएगी। मतलब टोटल आपका कॉस्ट हुआ 150 रुपये हमारा टूरिस्ट कार्ड का दिल्ली मेट्रो का, और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप प्रॉपरली अगर घूमने के पर्पज़ से जा रहे हैं तब। क्योंकि अगर अलग अलग आप ऐसे टोकन लेंगे तो पहली बात तो टोकन लेने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी, उसमें आपका समय जाएगा, प्लस वो बहुत कॉस्टली पड़ेगी, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है हमारा रेंट का दिल्ली मेट्रो का 20 रुपीज़ है और मैक्सिमम जो जैसे जैसे है 50 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ है, 40 रुपीज़ है। तो जनरली आपको 20-30 अगर आते जाते हैं एक स्टेशन से फिर उस स्टेशन पर आएंगे तो 50-60 रुपये तो ऐसे एक जगह का बन गया। अगर ऐसे आप टूरिस्ट पास ले लेते हैं तो 10, 20, 30, 40 जितने मेट्रो स्टेशन जा सकते हैं उतने दूर दूर जाके अच्छे से घूम के विजिट करके आ सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये आपके लिए टूरिस्ट पास बेस्ट होगा और लास्ट में आप इसको रिटर्न कर दीजिए। अब सेकेंड बात आता है कि अगर आप दिल्ली में अगर न्यू मेट्रो पास बनवाना है, तो अगर आप बस ऐसे जनरली ट्रैवलिंग करने के लिए मेट्रो पास बनवाते हैं तो वो आपको आएगा 150 का, 150 रुपये का, जिसमें आपको 100 रुपये रिचार्ज में मिलेगा और 50 रुपये ये कार्ड का काट लिया जाता है, जब हम रिटर्न करेंगे तो वो 50 रुपये दे लेंगे। तो ये हमेशा के लिए हमारे पास हो जाता है, हम इसको चाहें तो ऑनलाइन रिचार्ज भी कर सकते हैं या स्टेशन पे भी जाके मेट्रो स्टेशन पे जाके किसी भी मेट्रो स्टेशन पे जाके रिचार्ज करा सकते हैं। मिनिमम स्टेशन पे रिचार्ज करने का अमाउंट होता है 200 रुपये और फिर हम डायरेक्ट वहाँ पे टच करके आराम से बाहर जा सकते हैं और अंदर आ सकते हैं। तो ऐसे आप मेट्रो कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू आर यूजिंग मेट्रो कार्ड, क्योंकि हमारा टाइम सेविंग बहुत होता है, हमें लाइन में खड़ी होकर टोकन नहीं लेने पड़ते हैं मेट्रो कार्ड के टोकन, क्योंकि बहुत कहीं कहीं बहुत लंबी लंबी लाइन लगी होती है, तो वो आपका टाइम सेविंग होगा। और दूसरा चीज़, अगर आप मेट्रो कार्ड का यूज करते हैं, ठीक है, अगर सिंपल मेट्रो कार्ड का, ये टूरिस्ट कार्ड का पास का मैं नहीं बात कर रहा हूँ, तो आपको हर ट्रांजेक्शन पे 10% कम पैसा कटेगा। मतलब आपका अगर 20 रुपीज़ कहीं से कहीं का रेट है तो आपको 20% का 10% अगर निकाल दें तो 2 रुपये कम कटेगा, मतलब 18 रुपये कटेगा। और एक चीज़ और, एक होते हैं पीक आवर्स और एक होते हैं नन पीक आवर्स। पीक आवर्स कहने का मतलब, अगर आप सुबह में ट्रैवलिंग करते हैं जब जॉब वाले सारे लोग जाते हैं, मतलब 6 से 10 बजे के बीच, और शाम को आप मान लीजिए 5 बजे से 10 बजे तक के बीच अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको 10% इस पे डिस्काउंट मिलता है। लेकिन अगर आप दोपहर में ट्रैवलिंग करते हैं, मतलब 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलते हैं और इसको नन पीक आवर्स बोलते हैं। नन पीक आवर्स मतलब इसमें जो ट्रैवलर्स होते हैं मेट्रो में बहुत कम यात्रा करते हैं, क्योंकि सुबह में ही और शाम में ज़्यादा भीड़ होती है, लोग जॉब से जाते हैं और रिटर्न फिर आते हैं, तो ऐसे आपका 20% इस पे आपको छूट मिलेगी जो कि टोकन में नहीं मिलती। तो ऐसे आप
यूज कर सकते हैं मेट्रो कार्ड का और पैसे आराम से बचा सकते हैं और अपने टाइम भी बचा सकते हैं। और दूसरी चीज़ एक मैं बता दूं टूरिस्ट कार्ड के बारे में कि अगर आप टूरिस्ट कार्ड बनाए हैं तो आप दिल्ली में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर नोएडा में आप जाते हैं, मतलब नोएडा का इलाका दूसरा हो जाता है, तो नोएडा में जाते हैं तो नोएडा में सेक्टर 52 तक ही आप जा सकते हैं, सेक्टर 52 के आगे आप नहीं जा सकते। अगर सोचते हैं सेक्टर 62 में जाना है तो 52 पे उतरिए, फिर एक अलग से आप टोकन लीजिए या अगर पास बनवाना है तो पास लीजिए, टूरिस्ट पास के बारे में बात कर रहा हूँ, तब आप जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा जनरल पास है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो नोएडा पूरा एरिया हो चाहे दिल्ली का पूरा हो, तो जनरल पास से हम वहाँ जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इस रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन मिल चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।